नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक क्विक रिवीजन किसके ऊपर, बिलासपुर के इतिहास के ऊपर जितना आज तक हमने पढ़ा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है बिलासपुर की स्थापना। बिलासपुर की स्थापना किस राजा ने की? तो बिलासपुर की स्थापना किसने की थी? राजा बीरचंद ने। बीरचंद कहाँ से आए थे? बुंदेलखंड से आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नैना देवी और कोट कहलूर किले की स्थापना किसने की? नैना देवी और कोट कहलूर किले की स्थापना किसने की थी? बीरचंद ने ही की थी। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? बिलासपुर का पुराना नाम ब्यासपुर कहलूर या सद्दारा कहलूर। अगला क्वेश्चन है हिंडूर के संस्थापक कौन थे? हिंडूर के संस्थापक पिता आलमचंद और पुत्र अजीत सिंह। तो इन दोनों में से कोई भी आए तो आप नाम लिखना अजीत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ततार खां के साथ किस राजा का युद्ध हुआ था? तो ततार खां के साथ अभय सारचंद का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने कांगड़ा का क्षेत्र वापिस किस राजा से कांगड़ा का क्षेत्र वापिस मांगा गया? तो राजा संपूर्ण चंद से कांगड़ा का क्षेत्र वापिस मांगा गया क्योंकि संपूर्ण चंद की पुत्री कटोज राजकुमारी थी। अगला क्वेश्चन है किस राजा को सुल्तान ने तलवार भेंट की? तो किस राजा को? राजा रतन चंद को सुल्तान ने तलवार भेंट की गई थी क्योंकि राजा रतन चंद ने सुल्तान की जान बचाई थी किससे? शेर के हमले से, शेर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का समकालीन कौन सा राजा था? तो कहलूर का राजा रतन चंद अकबर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म अपनाने वाला पहला राजा, इस्लाम धर्म अपनाने वाला राजा कौन था? ज्ञानचंद या आयामचंद भी बोल सकते हैं आप। और इसके दो पुत्र थे रामा और भीमा जिन्होंने भी इस्लाम को कबूला था, पर जो इनके बड़े पुत्र थे विक्रमचंद उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था, वो भागकर अपनी राजधानी सुनहानी चले गए थे। अगला क्वेश्चन वही है कि पुरानी राजधानी बिलासपुर की पुरानी राजधानी कहाँ है? सुनहानी की। अगला क्वेश्चन है किस राजा ने कांगड़ा में शरण ली? तो राजा सुल्तान चंद ने कांगड़ा में शरण ली क्योंकि इनका एक चचेरा भाई था केशव चंद। ठीक है, जो दोनों ही राजा क्या थे, गद्दी के लिए लड़ पड़े थे, जिसमें केशव चंद की जीत हुई थी और बाद में सुल्तान चंद को भागकर शरण लेनी पड़ी थी कांगड़ा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रानी को चौसर किस राजा को किस राजा ने रानी के सर पर चौसर मारा? तो कल्याणचंद ने रानी के सर पर चौसर मारा क्योंकि कल्याणचंद के समय क्या हुआ था कि गाथाएं गाई जाती हैं, उन गाथाओं में एक धार, एक पहाड़ी का नाम लिया गया। तो रानी बोल पड़ी कि ये धार पहाड़ी जो है मेरे पिता के अंतर्गत आती है, सुकेत के राजा के अंतर्गत, जिससे गुस्सा होकर राजा कल्याणचंद ने अपनी रानी के ऊपर चौसर दे मारा। अगला क्वेश्चन है कल्याणचंद की दीवारी। तो कल्याणचंद की दीवारी वो जगह जहाँ पे राजा कल्याणचंद की मृत्यु हुई कहाँ पे है? सुंदरनगर में, क्योंकि चौसर मारने के बाद कल्याणचंद ने सीधा सुकेत पर हमला किया था और अंत में राजा की मृत्यु वहां हुई, उस जगह को बोला गया कल्याणचंद की दीवारी। अगला क्वेश्चन है कीर्तपुर वो कल्याणपुर मीन्स कीर्तपुर वो कल्याणपुर किस राजा ने गुरु हरगोविंद सिंह को गिफ्ट में दिए? तो किस राजा ने दिए थे? वो भी दिए थे कल्याणचंद ने। अगला क्वेश्चन है तारागढ़ और तारादेवी मंदिर किसने बनवाया? तारागढ़ और तारादेवी का मंदिर राजा ताराचंद ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? तो बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद ने की। दीपचंद की मृत्यु का कारण क्या था? तो दीपचंद की मृत्यु का कारण, क्योंकि दीपचंद को अटक एक पठानों से जीतने के लिए किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। और जब वो जीत के वापिस आ रहे थे तो क्या हुआ कि जो कांगड़ा के राजा थे आलमचंद, उन्होंने उनके खाने में विष मिला दिया और नदौन में उनकी मृत्यु हो गई विष के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन था यही समकालीन कौन था? तो औरंगजेब समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है बंगाणी का युद्ध। बंगाणी का युद्ध कब लड़ा गया? 1686 में लड़ा गया। किस किस के विरुद्ध में लड़ा गया? ये लड़ा गया भीम चंद और उनकी सहायता की थी उनके समधी फतेह शाह ने, और किसके विरुद्ध? गुरु गोविंद सिंह के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमचंद की सहायता माणिकचंद के विरुद्ध, यानी कि चाचा माणिकचंद के विरुद्ध भीमचंद की सहायता किसने की? तो इनकी सहायता की थी मंडी के राजा सिद्ध सेन ने। अगला क्वेश्चन है मेघचंद को कुल्लू से वापस लेके कौन आया? तो मेघचंद एक कपटी यानी कि एक क्रूर राजा था जिसके चलते रूढ़वादियों ने हमला किया था और राजा भागकर कुल्लू चला गया था। तो इनका चचेरा भाई था एक मलद्रोल जो वापिस लेके आया था कुल्लू से। उसके बाद आरिफ खां के विरुद्ध युद्ध कहाँ लड़ा गया? आरिफ खां के विरुद्ध युद्ध नदौन में लड़ा गया, जिसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह तथा कांगड़ा के राजा ने युद्ध लड़ा था नदौन में, जिसमें आरिफ खां हार गया था। अगला क्वेश्चन है कहलूर वो कांगड़ा के बीच प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया? कहलूर वो कांगड़ा के बीच प्रथम युद्ध बरोटा गांव में लड़ा गया, लद्रौर के पास। और इस युद्ध में किसने सहायता की थी कहलूर की? तो कहलूर की सहायता करने वाला सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश था। अगला क्वेश्चन है दूसरा युद्ध का कब लड़ा गया? दूसरा युद्ध लड़ा गया कब? 1855
पांच में, और इसमें अमर सिंह थापा ने सहायता की थी जिस युद्ध में कांगड़ा हारा था, और पहले युद्ध में कांगड़ा जीतता था, और इसी जीत के ऊपर कांगड़ा ने एक किला बनवाया था जिसे नाम दिया गया छातीपुर का किला। छातीपुर का किला, अगला क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिएगा, छातीपुर का किला किस धार पर स्थित है, तो ये झंझियार धार पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खड़कचंद का मंडी पर 15 दिन तक कब्जा, तो मीन्स खड़कचंद ने क्यों मंडी पर 15 दिन कब्जा किया, और उसमें मंडी का राजा कौन था, तो मंडी के राजा थे जालिम सेन, क्योंकि खड़कचंद ने कब्जा इसलिए किया, हमला इसलिए किया था मंडी के ऊपर, क्योंकि जो इनके चाचा थे जगत चंद, उन्होंने मंडी से सहायता मांगी थी खड़कचंद के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है फतेह शाह बहादुरपुर फतेहपुर बहादुरगढ़ और रतनपुर का किला हिंडूर के किस राजा ने जीता, तो ये राजा राम सिंह, या बोल सकते हैं राजा रामशरण सिंह। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा गया है, तो कहलूर के राजा हीराचंद के समय को स्वर्णकाल का कहा गया है। आगे किस राजा को 11 तोपों की सलामी दी गई, तो कहलूर के ये जो राजा थे हीराचंद, ही नहीं 11 तोपों की सलामी दी गई थी, क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी। अगला क्वेश्चन है धूम और जुग्गा आंदोलन, तो धूम और जुग्गा आंदोलन कहाँ हुए थे, ये बिलासपुर में हुए थे, किस राजा के समय हुए थे, ये राजा अमरचंद के समय हुए थे। अगला क्वेश्चन है बिठानन कर किसने लगवाया, तो ये लगाया था विजयचंद ने, राजा विजयचंद ने। अगला क्वेश्चन है डाडरा आंदोलन या नमक चख शपथ, ये कहाँ हुआ था, ये भी बिलासपुर में हुआ था, और इस समय कौन थे, ये समय आप रख लो विजयचंद का अंतिम समय था और अनंत चंद अभी राजा नहीं बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहादुरगढ़ किला, बहादुरगढ़ किला किसने बनवाया, राजा विजयचंद ने बनवाया था, क्यों, क्योंकि ये इनका ग्रीष्मकालीन आवास था। अगला क्वेश्चन है स्वारघाट और जकातखाना हौज किसने बनवाए थे, ये दोनों हौज किसने बनवाए थे, राजा हीराचंद ने बनवाए थे अपने राज्य की समृद्धि के लिए। एक क्वेश्चन और है कि किस राजा ने आधा धन और आधा अन्न कर के रूप में लिया, तो राजा हीराचंद ने ही आधा धन और आधा अन्न जो है कर के रूप में लिया। ये था मेरा आज का वीडियो, एक क्विक रिवीजन था, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद।